और रिवाइज करवाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, आप एक बार मैच करके देख लेंगे कि आपका आंसर क्या है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, ये एक जिगजैग दिया हुआ है, देखो इस जिगजैग में यहाँ कार्बन है, इस पोजीशन पर कार्बन है, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या है, कार्बन है। तो जिधर से शाखा नज़दीक पड़ेगा, ब्रांच नज़दीक पड़ेगा, उस डायरेक्शन से हम क्या करेंगे भाई, काउंटिंग कर देंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये एक शाखा छूट रहा है 2 पर, इस शाखा का नाम क्या होगा, एक डॉट है, मतलब इसको जब हम जिगजैग को खोलेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, और CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल, 2-मिथाइल। टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्कनेम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एनी, ब्यूटेन, खत्म कहानी। दूसरा एग्जांपल पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था बनाने के लिए, ये रहा, इसमें एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, जिसमें मेन सीरीज में काउंट करें तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, दोनों में 4-4 का ही मेन चेन आता है, 4 के अलावा और कोई मेन चेन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो आप किसको मेन चेन बनाना चाहेंगे, 1 2 3 4 इसको या 1 2 3 4 इसको, दोनों में से किसी को बना लीजिए, कोई सिचुएशंस में अंतर है क्या, नहीं है सर। देखिए ना, 1 2 2 पर यहाँ भी ये छूट रहा, 1 2 2 पर यहाँ ये छूट जाएगा, दोनों एक ही जैसा है ना, तो किसी को भी मेन चेन बनाइए, 1 2 2 पर छूट रहा है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। अब 4 कार्बन का काउंटिंग हो गया मेन चेन में, जो शाखा छूटा हुआ है वो शाखा 1 2 नंबर पर है और 1 3 नंबर पर है, दोनों एक ही जैसा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, 2 3, दो के संख्या में है तो क्या लिख देंगे, डाय, और है क्या, मिथाइल, तो 2 3 डाय मिथाइल, टोटल 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एनी, ब्यूटेन। ये पिछले क्लास, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन से HW में दिए गए थे वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिगजैग का एक पैटर्न बनाया गया है, ये बाहर खुला था या अंदर आ गया था, क्या ऐसे ही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस श्रृंखला में टोटल 12 कार्बन है, लेकिन एक चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा उसमें कितना कार्बन है भाई, तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे लंबा क्या है, ये है ना। अब किधर से काउंट करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी या तो आप अप से कर लीजिए या डाउन से कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अप से करेंगे फिर भी 4 नंबर पर ब्रांच मिलेगा, वही ब्रांच मिलेगा, और डाउन से करेंगे फिर भी 4 नंबर पर वही ब्रांच मिलना है, दोनों सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए एक ही जैसा दो ब्रांच है, एक 4 पर है, दूसरा कहाँ पर है, तो 4 5 क्या गो है, 2 गो है, तो डाई। अब इस ब्रांच में क्या गो कार्बन है, 1 2 2 कार्बन का अल्कनेम क्या, इथ, अब ब्रांच के लिए क्या, YL, तो 4 5 डाई इथाइल, ऐसा लिखने के बाद आ जाएंगे अल्क के ऊपर, अल्क 8 कार्बन है, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एनी, ऑक्टेन। चलिए चलते हैं चौथा एग्जाम्पल, चौथा प्रश्न की ओर, जो HW का था वो एक साइक्लिक टर्म्स में अवेलेबल था, वो ये रहा, इसमें साइक्लो भी है, बस ऐसा ही था ना। देखो सर, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक साइक्लो है, जिसमें एक कार्बन का यहाँ एक ब्रांच है, एक कार्बन का यहाँ एक ब्रांच है, दोनों ब्रांच कैसा है, सेम है, एक जैसा है, तो कहीं से भी काउंटिंग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको एक देते हैं तो इधर लेफ्ट में दो आएंगे कि राइट में दो जाएंगे, राइट में 2 3 4 5, फाइनली इसका नाम हम क्या लिखने वाले हैं, 1 2 1 2 डाई मिथाइल, क्लोज चेन है ना इसमें, तो क्लोज चेन है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एनी, पेंटेंट। साथ ही साथ सही करते चलिए, जिनका जो गलत है मैच करते रहिए एक साथ, क्योंकि ये खत्म होगा सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवा है, देखो यहाँ पर BR है और इस पोजीशन पर क्या है, CH3 है, ऐसा है, तो जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे। देखिए लेफ्ट से ब्रांच 2 नंबर पर मिल रहा है और राइट से ब्रांच 3 नंबर पर मिल रहा है, तो हमें किधर से चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6,
अच्छा एक ही जैसा ब्रांच है ना? नहीं नहीं, अलग अलग है। एक जैसा है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो अल्फाबेटिकल पहले जो आएगा पहले उसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल जो बाद में आएगा बाद में उसको लिखेंगे। टू ब्रोमो फोर मिथाइल, टोटल छः कार्बन, हेक्स सिंगल बॉन्ड एनी हेक्सेन, टू ब्रोमो फोर मिथाइल हेक्सेन, कंप्लीट ना। अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसी सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड का टर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है, सिंगल बॉन्ड में अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा हो कि मेन चेन जो है ना वो जस्ट लाइक एक पेड़ है और उस पेड़ में एक टहनी निकला हुआ है, वो शाखा है, दूसरा टहनी निकला हुआ है दूसरा शाखा है। अब क्या इस बात की गारंटी है कि शाखा के अंदर शाखा नहीं निकलेगा? पेड़ के अंदर जो टहनी निकला उसमें और टहनी नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? और भी टहनी हो सकता है ना। तो अभी तक शाखा के अंदर शाखा हम नहीं ले रहे थे, अब ये होगा कि भाई शाखा के अंदर भी शाखा हो जाएगा और उस शाखा के अंदर भी शाखा होगा। तो फिर नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे? वो नॉमनक्लेचर एक जटिल टर्म में जाएगा, जिसके लिए हमें कुछ एक शाखा को बहुत अच्छा तरीका से जानना समझना और सीखना पड़ेगा। तो पहले जो इसको आप कर रहे हैं कवर कर रहे हैं, यानी जिनका जो गलत है वो सही कर लीजिए, फिर हम लोग वही सीखेंगे शाखा के अंदर शाखा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर शुरू में उसको सीख लेते। देखिए शुरू में उसको इसलिए आप नहीं सीखे कि इस शाखा के अंदर शाखा में दो तरह का नाम होगा, एक IUPAC नाम होगा दूसरा सामान्य नाम होगा, और दोनों नाम का प्रचलन होता है, दोनों नाम उपयोग में लाया जाता है। अभी इससे पहले आप IUPAC नाम नहीं जानते थे ना, इसलिए आपको पहले वो नहीं बतलाया गया, पहले थोड़ा बहुत IUPAC नॉमनक्लेचर एल्केन में बतला दिया गया, अब आप उसे सीख सकते हैं समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। नोट करिए कुछ महत्वपूर्ण एल्काइल शाखाएं, सम इंपॉर्टेंट एल्काइल ब्रांच, एल्काइल ब्रांचेस। सम इंपॉर्टेंट एल्काइल ब्रांचेस, बिल्कुल व्यवस्थित तरीका से लिखिए। क्रम संख्या सूत्र संरचना IUPAC नाम और सबसे लास्ट में जो हमें लिखना है वो क्या होगा? सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम लिखना है। देखो बिल्कुल शून्य से चलते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको IUPAC सिस्टम में हम क्या कहते थे? मिथाइल। तो भाई सामान्य सिस्टम में भी इसको क्या बोला जाएगा? मिथाइल बोला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही जैसा है दोनों का दोनों। नंबर दो, दूसरा C2H5 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, IUPAC सिस्टम में इसको हम लोग इथाइल कहते थे, सामान्य सिस्टम में भी इसको क्या कहेंगे? इथाइल कहेंगे। यहाँ तक संरचना में कहीं कोई बदलाव नहीं है, शायद यहाँ से हो पाए C3H7 सिंगल बॉन्ड। इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चर वन CH2 सिंगल बॉन्ड, स्ट्रक्चर टू CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी दिया है, पॉसिबिलिटी वन पॉसिबिलिटी टू। अब दोनों को देखिए, सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा एक मेन चेन है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा आपको। ये हमारा एक मेन चेन है और इस मेन चेन में एक बार ब्रांच ऐसे जुटा हुआ है CH2CH2CH3 और एक बार ब्रांच ऐसे जुटा हुआ है CH3H CH3। अब इस दोनों ब्रांच का यदि आप सूत्र को एक जगह संग्रहित करें तो 1 2 3 C3H, 3 2 5 2 7 C3H7, इसका सूत्र संग्रहित करें 1 2 3 C3H7।
मतलब दोनों का अनुसूत्र एक जैसा है, यानी दोनों ही मेन प्रोपाइल है, दोनों ही मेन क्या है, प्रोपाइल है, बट संरचना तो अलग अलग है। संरचना अलग अलग होने के कारण दोनों का नाम बदल जाएगा। इस सिस्टम को हम कहेंगे सीधे प्रोपाइल, सामान्य नाम भी प्रोपाइल ही होगा, सामान्य नाम में भी कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन इस सिस्टम में देखो अब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितना भी नंबर पर है, एन नंबर पर है, तो अब जो शाखा चालू हुआ है वो शाखा का पहला कार्बन कौन है, ये है ना, ये कार्बन एक नंबर कहलाएगा। अब या तो उधर जा सकते हैं या फिर इधर आ सकते हैं, अभी दोनों तरफ जाने पर सेम पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए अगर जिधर ज़्यादा कार्बन रहता हम उधर जाते, अभी पॉसिबिलिटी सेम है तो कहीं भी चल दीजिए, 1, 2। यानी शाखा में मेन चेन में क्या वो कार्बन है, दूगो, एगो शाखा के अंदर क्या है, शाखा है, एक शाखा के अंदर क्या है, शाखा। जरा ध्यान से समझो, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, इस पेड़ के अंदर एक टहनी निकला, इस टहनी में मेन टहनी में क्या वो कार्बन, दूगो कार्बन, और इसके अंदर एक और टहनी निकल गया जिसके अंदर क्या कार्बन, एक कार्बन, तो शाखा के अंदर क्या हो गया, शाखा। तो शाखा के अंदर जो शाखा है वो शाखा कितना नंबर पर है, एक नंबर पर है। तो इसको IUPAC सिस्टम में लिखा जाएगा 1-methyl। अब मेन चेन में ढूंढो क्या वो कार्बन है, एक दो, दो कार्बन का मेन चेन क्या होता है, एथ होता है, तो उसको हम कहेंगे इथाइल, 1-methyl इथाइल, ये इसका IUPAC नाम होगा। मतलब काउंटिंग इसमें यहां से हुआ है, 1, 2 इसमें यहां से हुआ है, 1, 2, 3 जहां से जुटेगा वहां से काउंटिंग होगा। अब सिंपल सिस्टम में, सामान्य सिस्टम में इसको बोला जाएगा आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे सामान्य सिस्टम में, आइसो प्रोपाइल। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, नंबर 4 C4H9 सिंगल बॉन्ड। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, टोटल 4 स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ से काउंटिंग होगा 1, 2, 3, 4। IUPAC सिस्टम में इसको ब्यूटाइल लिखा जाएगा, सिंपल सिस्टम में नॉर्मल ब्यूटाइल, या सीधे तौर पर हम लोग क्या कह देंगे, ब्यूटाइल कह देंगे। दूसरा सिचुएशंस क्रिएट करते हैं शाखा का, इमेजिनेशन करो कि यहाँ से ना जुटकर किसी बीच वाला से जुट जाए, किसी से भी जुट जाए, CH3, CH2, CH, इससे जुट गया CH3, तो मेन टहनी यहाँ से जुटेगा एक। अब इधर लंबा चेन है, उधर छोटा चेन है, तो अब इस बार इधर काउंटिंग करेंगे 2, 3, तो देखो एक नंबर पर छूट रहा है क्या, मिथाइल, तो इसको कहेंगे 1-methyl। अब मेन चेन में ढूंढो कितना कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या प्रो, ब्रांच के लिए क्या YL, हमेशा अल्काइल ब्रांच में ब्रांच नेम किससे खत्म होता है, YL से खत्म होता है। इसको सिंपल सिस्टम में कहते हैं सेक ब्यूटाइल, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका सिंपल नाम क्या है, सेक ब्यूटाइल, सेक मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटाइल। ये देखोगे ध्यान से तो आप ध्यान से समझ के देखो, ये 2-degree कार्बन है, 2-degree कार्बन क्यों है, क्योंकि इससे एक अल्काइल इधर जुटा है, एक अल्काइल उधर, और 2-degree मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक। सो यहाँ तक नोट करिए, इसके दो स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। तीसरा संरचना इसका पॉसिबल है CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये 1, 2, 3। इसमें देखो दो नंबर पर मिथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 2-methyl। मेन चेन में तीन कार्बन है, प्रो ब्रांच के लिए क्या YL, और इसको सिंपल सिस्टम में बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल, सिंपल नाम इसका क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। चौथा स्ट्रक्चर जो इसका पॉसिबल है वो ये है CH3C CH3 CH3, ऐसा करके ये एक नंबर कार्बन है। किसी भी दिशा में चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, हमेशा क्या मिलना है, दो ही मिलना है ना, दो, तो मतलब एक पर दो को शाखा छूट रहा है, तो 1-1 डाइमिथाइल। मेन चेन में दो कार्बन, इथ ब्रांच के लिए YL, इथाइल। इसको सिंपल सिस्टम में कहेंगे टर्ट ब्यूटाइल। बहुत बार टर्ट ब्यूटाइल को टी ब्यूटाइल भी लिखा हुआ मिलेगा, टी ब्यूटाइल, नोट कर लो तेजी से।
अब इस पर प्रॉपर एग्जांपल देखो कि इसका उपयोग किस प्रकार से होना है, कैसे शाखा के अंदर शाखा आएगा तो उसका उपयोग हम करेंगे। अभी से हम पीछे वाले नियम सबसे पूछते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया CH3, CH2, CH2, CH3, 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 CH2, CH3। अब जरा ध्यान से इसको देखो। सबसे पहला काम कि लंबा कार्बन श्रृंखला हमें सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मिल रहा है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा करके देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का मिल रहा है, उससे ज़्यादा लंबा तो ये हो गया। कुछ और करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का मिल रहा है, यानी 7 पर जाकर पेच अटक रहा है कि 7 वाला एक ये भी हो गया और 7 वाला एक ये भी हो गया। तो अब इस दोनों 7 में क्या फ़र्क है, कौन सा 7 वाला हमें सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा 7 वाला हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। एक शानदार एग्जांपल है ये, इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स के अंदर देखे जाते हैं, जहां एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, जहां पर एक से ज़्यादा नियम लगता हो। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब आप इस 7 को सेलेक्ट करते हैं तब शाखा की संख्या आपको कितना मिलता है, 2 गो। क्या गो शाखा मिलता है? 2 गो शाखा मिलता है। अब इसको सेलेक्ट करके देखिए, इसको आपने 2 देख लिया, अब इसको सेलेक्ट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब बताइए क्या गो शाखा मिल रहा है? 4 गो। क्या गो शाखा मिल रहा है? 4 गो। तो अब नियम समझिए, नियम मैं यहां लिख रहा हूं स्पष्ट रूप से कि यदि श्रृंखला में एक से अधिक अल्क चेन या अल्क श्रृंखला बनता हो तो अल्क चेन यानी अल्क श्रृंखला के रूप में उसका चयन करेंगे, उसका चयन करेंगे जिसमें शाखा की संख्या अधिक हो, जिसमें शाखा की संख्या अधिक हो। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शाखा जुटेगा उसी को हम मेन चेन बनाएंगे, ऐसा IUPAC ने निर्धारित कर दिया। अब ये हमारा मेन चेन तो बन गया, लेकिन काउंटिंग ऊपर से होगा या नीचे से, अब ये सोचना है। अगर ऊपर से चले तो 1, 2, 3, 4 पर शाखा मिलता है, नीचे से चले तो 1, 2 पर शाखा मिलता है। तो जिधर से शाखा नज़दीक होता है उधर से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं 3, 4, 5, 6 और 7। यानी सीधा दिखने वाला चीज ही लंबा श्रृंखला होगा, ये बात सही है या गलत है? ये बात हमेशा सही नहीं है। अब देखिए, जो शाखा 4 नंबर पर है वही शाखा कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर एक ही जैसा 2 शाखा है, तो इसका नाम इथाइल ई से स्टार्ट होता है, इसका नाम मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ABCD में पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो पहले हम लिख देंगे 3-4 डाइथाइल, फिर क्या 2-2 डाइमिथाइल, 3-4 डाइथाइल के बाद 2-2 डाइमिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एनी हेप्टेन। तो चलिए रूल सहित इसको नोट कर ली। ये एक एग्जांपल है। इस क्वेश्चंस को यदि हम देखें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्लॉथ चेन है और ये हमारा शाखा है। ये शाखा आप देखो, शाखा के अंदर ये 1 नंबर और ये कितना नंबर? 2 नंबर। 1-1 डाइमिथाइल इथाइल का केस बन रहा है, तो सीधे हम इसको लिख सकते थे टर्ट ब्यूटाइल। क्या ब्यूटाइल? टर्ट ब्यूटाइल। क्लॉथ चेन है साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन। रूल्स के अनुसार सबसे पहले शाखा को लिखते लिख दिया, क्लॉथ चेन है साइक्लो, साइक्लो लिख दिया, टोटल 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन, ऐसा कर दिया गया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के अंदर है ना, तो 1 के अंदर 1-1 देखो ये शाखा क्या नंबर पर जुटल है? 1 नंबर पर। अब उस शाखा के अंदर 1 नंबर पर, शाखा के अंदर वाला 1 नंबर पर 2 गो मिथाइल है, तो 1-1 डाइमिथाइल। मेन चेन में क्या है?
दो कार्बन है शाखा में, इथ वायल इथाइल, पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब कभी भी ऐसा शाखा लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के बंद कर देंगे। अब फिर से वही बातें, क्लोज चेन है साइक्लो, टोटल 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन ई। लेकिन अब यहाँ पर चाहो तो चूंकि शाखा जो है वो एक नंबर पर है, शाखा कितना नंबर पर है, तो ये एक बाहर वाला एक लगाओ ना लगाओ इसे कोई फर्क पड़ने वाला, और जब बाहर वाला एक नहीं लगाओगे तब ब्रैकेट लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल पर चलते हैं, तीसरा पर, वो ये रहा CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें बहुत ध्यान से चीज़ें करना है, थोड़ा बहुत भी आप मिस्टेक किए तो निश्चित रूप से गलत करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी दो लंबा चेन का सिचुएशन बन रहा है, एक ये 6 और एक ये 6। अगर इस 6 को हम बनाते हैं तो क्या गो शाखा मिलता है, एक गो शाखा मिलता है। लेकिन अगर ऐसे करके चलते हैं, इस 6 को बनाते हैं, तब क्या गो शाखा मिलता है, तो बताइए पहले वाला काउंटिंग सही होगा कि बाद वाला सही होगा, बाद वाला सही होगा, यानी हमने ऐसे काउंट करना है। अब काउंटिंग उधर से करेंगे, यानी दायां से बायां करेंगे कि बायां से अप चलते हुए दायां करेंगे, बायां से अप चलते हुए, क्यों, क्योंकि देखो एक दो, दो पर शाखा मिल गया, अगर उधर से चलते तो एक दो तीन चार पर शाखा मिलता, 3 4 5 और 6। अब दो शाखा है हमारे पास, एक का नाम इथाइल दूसरा का नाम, तो ए बी सी डी में जो पहले आएगा पहले, जो ए बी सी डी में बाद में आएगा बाद में, तो इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, 3-ethyl, 3-ethyl के बाद क्या लिखेंगे, 2-methyl, टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड एन ई। अब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि जिस टाइम पर ये शाखा सच में बन जाए, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेन चेन वही होगा। अब ये शाखा है, ये भी शाखा है, ये भी शाखा है, जिस ओर से शाखा नजदीक होगा उधर से हम क्या करेंगे, गिनती कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिसका नाम अल्फाबेटिकली सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, इसका नाम क्या है, ब्रोमो बी से, इसका नाम क्लोरो सी से, इसका नाम दो नाम है, एक आई यू पेक नाम, देखो 1-methyl, देखो ये होगा शाखा के अंदर, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1-methyl-ethyl एक नाम, सिंपल नाम 1-methyl-ethyl को आइसोप्रोपाइल बोले थे, क्या बोले थे, आइसोप्रोपाइल, तो इसको दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, यानी दोनों ही सिचुएशन में इसका नाम इस दोनों के बाद लिखाने वाला, चूंकि अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7-bromo 3-chloro 6 के अंदर 1-methyl-ethyl ब्रैकेट बंद, टोटल 10 कार्बन, डेक सिंगल बॉन्ड एनी डेकेन। दूसरा नाम इसका क्या पॉसिबल होगा, इसको दूसरा नाम में लिख सकते हैं 7-bromo 3-chloro 6-isopropyl डेक एन। तो यही अंतर कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, ये अंतर और ये अंतर, कंप्लीटली 100% IUPAC नाम कौन है ये, लेकिन IUPAC सिस्टम ने इसे भी अप्रूवल दे रखा है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो ऐसा ऑप्शंस अगर ना मिले तो ये ऑप्शंस पर देखो, टाइप बी नाम से संरचना, अब देखो नाम से संरचना किस प्रकार से बनाया जाता है, इधर ध्यान दो बातें नहीं, वो ये है
जैसे दे दिया 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंट मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, एन मतलब कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जब कभी भी नाम से संरचना बनाओ तो अंतिम से चलो, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन को जोड़ दिया हमने। 2 पर ब्रोमो आप लेफ्ट से काउंट कर लो, राइट से काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ब्रोमो BR कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके सिचुएशंस को देखिए, हो गया सब कुछ लिखा गया ना, जितने भी खाली हाथ बच रहे हैं वहां पर क्या डालना है, हाइड्रोजन डालना, मतलब इसमें क्या को हाइड्रोजन पड़ेगा, 3 गो, इसमें क्या को पड़ेगा, 1 गो, इसमें क्या को पड़ेगा, 2 गो, इसमें क्या को पड़ेगा, 2 गो, इसमें क्या को पड़ेगा, 3 गो। कोई इसी को ऐसे भी लिख सकता था, 1, 2, 3, 4, 5 ना, अब 2 पर कहीं पर क्या लगा देता, BR, हम इधर से लगा रहे, कोई उधर से लगा सकता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स एन, ऐसा है। देखो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब बंद रिंग। तो सबसे पहले 6 कार्बन का एक बंद रिंग बनाओ, देखो ये 6 कार्बन का बंद रिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 1 पर ब्रोमीन है, 1 कौन होगा, नहीं नहीं जो मर्जी सो कर लीजिए, किसी को भी आप 1 कर लीजिए। जैसे अगर इसको हम 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, BR लगाएंगे। अब 2, 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, 2, 3 ये भी हो सकता है, जिधर मर्जी उधर कर लीजिए, आप ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस पर इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जो बच्चे बुक खरीद रखे हैं वो बना सकते हैं, पेज नंबर 74 से लेकर कहाँ तक, 77 तक। और जिनके पास असाइनमेंट है, एक बार असाइनमेंट लाओ, असाइनमेंट में आपको सेट 1 सेट 2 बनाने के लिए बोला गया था, अब वो सेट 3 भी बना सकते हैं, नहीं सेट 3 अभी कंप्लीट नहीं कर सकते आप, इसलिए कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो सेट 1 यानी असाइनमेंट वाले बच्चे सेट 1 और सेट 2 पर अटके रहिए अभी, और जिनके पास बुक है वो 74 से लेकर 77 तक बनाइए। पेज नंबर 74 से लेकर 77 तक में जो भी डाउट्स होगा वो आप कल के क्लास में पूछ सकते हैं, जिनके पास बुक होगा। बुक मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये बुक आपको लेना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके राइटर हैं DR SC साव और DR S लाल, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना।